भाई संबड़ा भाई थांबायचं नाव घेत नाही वा, थांबायला मागत नाही पोरगा भाई। रियर साहब के साथ जो हुड लाइफ गाना आया था भाई, लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब काफी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो उसके रिस्पॉन्स के तहत भाई लोगों ने दूसरा गाना निकल दिया, गाना का नाम है कैश फ्लो भाई। कैश इज फ्लोइंग लाइक एनी थिंग भाई। तो भाई इस गली गैंग एक्स गैंग शून्य वंस अगेन, तो देखते भाई भाई लोगों ने क्या लाया इस गाने में। तब ज्यादा छोटी करते लेट्स गो, तो फिर यो मम्मे कैश फ्लो रियर साहब एक्स अंबाडा प्रश्न भाई जीरो चिल्स लेट्स गो कैश फ्लो यो राइमिंग राइमिंग ओह ये भाई ये इंटरनेशनल फील तो दे रहे ले भाई लो। ये जो है बाहर के जो वेस्ट साइड से जो क्या बोलते, अगर शिकागो रैप आप सुनते हो ज़्यादा तो उसमें है ना ऐसे कुछ होता है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई इन लोग एक ड्रिल ट्रैक निकाले साथ में, दैट्स गोना बी क्रेजी भाई अगर निकालेंगे तो। कौन है लेट्स गो ब्लू ब्लू वाइट एयर फोर्सेस यस सर बढ़िया था भाई। एक और बार सुनते बेस क्यों नहीं आ रहा। ओके आंख में ग्लो करे कैश फ्लो बंदूक भाई सीधा मौत ही लिखी थे बंदूक क्या मौत ही तो होती जट हमेशा खबर में रहता है और अपने साथ में भाई असले और अवाम लेट्स गो भाई। कुछ कुछ समझ में आता कुछ कुछ नहीं आता, जितना आगे अपन बता सकते हैं भाई। पाचनी दिखे जट रंदा खबर राज नाल रंदे यार जिवे असले आवांग ओ अख दी ही कूर बेख मौत बहरी आली तोड़ा बंद गला बेच तोड़ा डब्बी चांदी रंगी बगे लहर बांग चढ़ता सरूर भाई बोलता आंख में घूर मत घूरते मौत हो जाएगी भाई। मौत बहरी आली तोड़ा बद गला बेच तोड़ा डब्बी चांदी रंगी बगे लहर बांग चढ़ता सरूर थोड़ा थोड़ा अखा नीली आनी लाल जट थोड़े आली कौड़ा हजार रैप च या पॉप च दोआ च करे किल जट नजरा च होके भी ये नजरा च किथे दस लखा विच डील रैप होए पॉप सब किल कर दे अपन पॉप च दोआ च करे किल जट नजरा च होके भी ये नजरा च किथे दस लखा विच डील लखा दिया मैगजीन भरी लोडड या डब्बा नाल लगी वेख ला तू घड़ी अमू ते बिना लाइस की करे गैंग मेरी पोला पानी है तो फोन नाइन भावसा झाले तराने दैट्स अ बार भाई मुंह पे स्की लगाए बिना स्की करे गैंग दैट्स अ बार अमू ते बिना लाए स्की करे गैंग मेरी पोला पानी है तो फोन नाइन भावसा झाले तराने कुटा बाकी राहुल सांबदा है सारे मैटर मेरा जिगर दा ठोकण आया किनू सीधा नापदा मैं ट्रिगर वे बिगर साडे रास्ते लिखे बे असी गलियां च बैके ग्लोबल चार्ट्स ते दिखे होडे लाइफ होगी रिच साडी वेख दे अद्दे यार कडे देख गए जो हेट कर दे पूरा देसी नी बंबे वाला स्टाइल चल भाई हुड लाइफ देखते देखते रिच हो गई लेट्स गो लिखे बे ऐसी गलियां च बैके ग्लोबल चार्ट्स से दिखे होटल लाइफ होगी गली से बैठ के बिगर चार्ट्स पे दिखे साडे रास्ते लिखे बे ऐसी गलियां च बैके ग्लोबल चार्ट्स से दिखे होटल लाइफ होगी रिच साडी वेख दे अद्दे यार कडे देख गए जो हेट कर दे पूरा देसी नी बंबे वाला स्टाइल चल के वीर मराठी मेरे साहेब इथे साहब नी कहंदे असी 40 फीट उत्ते रहंदे बदलां ते मारा दगड़ा कीती भी खालू नाउंदे नी साडे कदे उत्ते आमी फांदियां ना तोड़ा डायरेक्ट मूला वरगाओ जिथा भी फिर तो तू आमी तुला तिकड़ झकाओ शरीर ओके एक सेकंड अच्छा ये दिए ले अपने सीसी ऑन क्यों नहीं किया पहले ठीक है चलो पता मैं ट्रिगर वे बिगर साडे रास्ते लिखे बे ऐसी गलियां च बैके ग्लोबल चार्ट्स से दिखे होड लाइफ होगी रिच साडी वेख दे अद्दे यार कडे देख गए जो हेट कर दे पूरा देसी नी बंबे वाला स्टाइल चल के वीर मराठी मेरे साहेब इथे साहब नी कहंदे असी 40 फीट उत्ते रहंदे बदलां ते मारा दगड़ा कीती भी खालू नाउंदे नी साडे कदे उत्ते आमी फांदियां ना तोड़ा 40 फीट उपर क्लाउड्स के रहते भाई कितने भी मारे वो अपने तक नहीं पहुंचते रहंदे बदलां ते मारा दगड़ा कीती How many stones are there? We never eat. 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 We
नीचे जड़ से ही उखाड़ देते बात है, जो समझ में आएगा तो ही तो फील करोगे। अपन जब भी अपन वाइब के लिए सुनते, जब भी ऐसा मराठी और हिंदी वाले बाहर जाते तभी तो फील करते है ना ब्रो, इट्स एविडेंट है, समझ जाए। भोले जेहे ने चिर तो गन रखी बैरल दो नाली जेड़ी दिंदी आ खोल तरी के टेने रखे बंदे समझ थोड़ा मुझको रेडी होना पड़ेगा भाई। ओके ओके ओके, कान सही है, हेडफोन सही है, लेट्स गो भाई। मुझे आवाज कम आ रहा है, आप लोगों को भी आ रहा पता ना, मेरा हेडफोन खराब है, आई डोंट नो बट शॉर्ट माझे राजकारणी थॉट तुमच्या पितळाच्या फेलडॉनची दागडाची छाती इकडे मार्शल माहिती नाही ब्रो, मला जडून नेहमी पब्लिक कविटी खाती, त्यांचे गंजलेले शॉर्ट माझे राजकारणी थॉट तुमच्या पितळाच्या फेलडॉनची दागडाची छाती इकडे मार्शल नाही पितळ भाई। मतलब तुम्हारा पीतल का है भाई, अपना तुम्हारा जो दिल है वो पीतल का है, छाती पे दो भी पीतल का, बट अपना दगड़ची छाती मतलब पत्थर की छाती है, कुछ भी करो कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी मारो कितना मारो कुछ नहीं हो सकता ब्रो, मला झडून नेहमी पब्लिक कविटी खाती, त्यांचे गंजलेले शॉट माझे राजकारणी थॉट तुमच्या पितळाच्या फेलडॉनची दागडाची छाती इकडे मार्शल नाही आहे, जिथं कंपनी राती माझे पदर पाडतात, डॉनची सवारी जावा मोहल्ल्यातून जाती, कारण मागातले कपडे मी गोल्डन मॅन, मी प्रेमामध्ये ओल्ड आणि न्यू स्कूल स्वॅग सोबत दहा पेटी कॅश भाई, मी गोल्डन मॅन, जहाँ से कंपनी जाती वहाँ से भाई मार्शल नहीं आती, फिर नाउ यू नो भाई, पुलिस लोग से भी नहीं ठसते भाई, पूरी गैंग पदर पाड़ते हैं, डांची सवारी जावा मोहल्ल्यातून जाती, कारण मागतले कपड़े मी गोल्डन मैन, ये मतलब मैं अकेला गोल्डन में रहता, बाकी फुल ऐसा अपना गैंग गैंग एक ऐसा होता ना ब्लैक में, सब लोग अपन गोल्ड में उठ के दिखते अपन वैसा, मार्शल मतलब पुलिस की गाड़ी, बीट मार्शल बोलते ना वो लोग वहाँ पे नहीं आते, कंपनी राती माझे पदर पाडते, डॉनची सवारी जावा मोहल्ल्यातून जाती, कारण मागतले कपडे मी गोल्डन मॅन, मी प्रेमामध्ये ओल्ड आणि न्यू स्कूल स्वॅग सोबत 10 पेटी कॅश आणि एलव्हीची, अपना भाई प्रेम है पर ओल्ड है भाई, बाकी सब अपनी पुराने थिंकिंग, बट अपन स्वैग न्यू स्कूल है, लेट्स गो, मी प्रेमामध्ये ओल्ड आणि न्यू स्कूल स्वॅग सोबत 10 पेटी कॅश आणि एलव्हीची बॅग, त्याला व्हीआयपी लाग, ज्याला कंपनीचा टॅग, ह्याला वार मारून केस नको, ह्याला फक्त झापड देऊ रॅग, टिकिट डेड बॉडी गाडीचा काचा पण ब्लॅक, माणूस इलीगल शाब्दिक क्रिम, टिकिट डेड बॉडी गाडीचा काचा पण ब्लॅक, माणूस सीधा मार के डिक्की में डेड बॉडी और डेड ब्लैक शीशे भाई साहब, दिस इज रियल गैंगस्टर शिट भाई, अगर आप जानते हैं तो इफ यू नो भाई, ताजा वीआईपी ला जैक जला कंपनीचा टॅग, याला वार मारून केस नको, याला फक्त झापड देऊ रॅग, डिक्की डेड बॉडी गाडीचा काचा पण ब्लॅक, माणूस इलीगल शाब्दिक क्रिमिनल, का 12 महिने पब्लिक ला सांभाळताचा खॉप हो स्टॉप, जगमाचा शार्प शूटर रेसचीचा कमरा लागलो ऑक्सिन शॉक, उंच हाइटला जगमाचा शार्प शूटर रेसचीचा कमरा लागलो ऑक्सिन शॉक, रहता है भाई हमेशा रहता है, इसके बिना अपन बाहर ही नहीं निकलते, मटाचा खॉप हो स्टॉप,
भाई ये बंदा ऐसे हैवी है, ये बाहर से वरता मतलब आप इमेजिन करने लगते हो। मेरा क्या है ना, वो जब भी बोलता है ना भाई, तो मैं सीधा इमेजिन करने लगता हूँ कि भाई वो कैसा घूमते रहेंगे, मतलब क्या माफिया शेट होता रहेगा भाई। क्रिमिनल का 12 महीने पब्लिक ला सांबटाचा खोप होस्ट ऑफ गजबाजा शॉट शूटर रेसचीचा कमरा ला ग्लॉक सीन शॉट उंच हाइटला उडत राहते डॉनजीचे शॉक रावण कॅरेक्टर पोरिनचा फोन मध्ये ब्लॉक त्यांचा आया होता मॅक्स भाई बोलते की वो रावण का कॅरेक्टर है, वो पिछले गाने में बोला था ना खतरनेक्स आया होता भाई, उसकी बोलती मम्मी भी इम्प्रेस होती आई सर सकाळच्या नाश्त्याला प्रीमियम स्नॅक्स आणि टेबल घालून बेबी देती हँड जॉब भाई रात की जो उतरी वो उतरी, सुबह तक कुछ नहीं भाई, सुबह सब प्रीमियम स्नैक्स, नया नया स्नैक्स। और वो सॉरी भाई इधर 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 ये दिख रहा है, ये टेबल, टेबल के नीचे से ब्रो ब्रो इज लिविंग माय ड्रीम लाइफ मैन, लेट्स गो भाई। अपना भी भाई ये हर लड़के का ड्रीम लाइफ होता है, मेरा क्या सब लड़के का भाई। अगर आपका भी ड्रीम है तो आप कमेंट कर दो भाई, अपन भी कुछ करेंगे ऐसा ऐसा कुछ मेहनत करेंगे कि एटलीस्ट प्राइवेट में ये लाइफ जी सके जो इन लोग गाने में पब्लिकली बोलते हैं। देखो जो ये गाने पब्लिक में फ्लेक्स करते हैं अपन, वो प्राइवेट में जीना चाहते हैं, बताओ कैसे दिन आ गया यार। कैसा वो बोलने पे भी ऐसा कन्विक्शन आता ना कि भाई आप मतलब समझ बैठते हो, आप उसको डॉन शेट माफिया जो भी बोला आप उसको समझ बैठते हो भाई। मेरे नज़र में तो ये है बंदा, आप लोगों की नज़र में पता नहीं, बट मेरे में तो ये भाई बन चुका है, वो एक पर्सनालिटी बन चुकी है उसकी, और उसके नीचे इसको मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता भाई। संभाड़ा को खमो में सकाळच्या नाश्त्याला प्रीमियम स्नॅक्स आणि टेबल घालून बेबी देती हँड जॉब ही डॉनची स्टाईल आणि योशेटचा अंदाज पुण्यासोबत आई झवणार आज पंजाब करून टाका पमाला मारायचे ग्वाप कारण रिप्लायला हटकुरे हो मिस्टर नाल मेरे रियार साहब तेरे शेर विच राडा रे अरे पंजाबी बोल रहे भाई। एक तो सबसे पहले हुड लाइफ पे मेरे को ये शॉक कर गया बंदा कि मराठी रैप कर रहा है, समवट आई स्पेस रैपिंग इन पंजाबी भाई, कम ऑन क्या इन्फ्लुएंस है भाई। मतलब एक तो सोचा ही नहीं था किसी ने कि मराठी और पंजाबी कोलैब करेंगे, इतना अच्छा साउंड करेगा, और भाई दिस इज साउंडिंग क्रेजी क्रेजी। 4 मिनट का गाना भाई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है 4 मिनट कब खत्म हो रहे। पंजाब सोडून टाका पमाला मारायचे ग्वाप कारण रिप्लायला हटकुरे हो मिस्टर नाल मेरे रियार साहब तेरे शेर विच राडा ये जटाने शौक रखे उच्चे मेरे पैर विच प्राडा डोंजीचा विषय गैंग हत्यार काडा। आई लाइक आई लव दैट पार्ट भाई, आई लव दिस अनयूजुअल पार्ट कि जब रैपर्स को अनयूजुअल करते हैं ना अपने लिंगो के बाहर, आई लव दैट थिंग भाई। मेरे रियार साहब तेरे शेर विच राडा जटाने शौक रखे उच्चे मेरे पैर विच प्राडा डोंजीचा विषय गैंग हत्यार काडा डोन सिद्धू मूसे वाला द फैन डोन दिल दानी माडा ओ खच के करे कैश फ्लो धूके आले नोक ते आ लिखी रंगी मौत गल बच नी दिखे जट रंजा खबर राज नाल रहंदे यार जिवे असले आ वांगो खच के लो करे कैश फ्लो धूके आले नोक ते आ लिखी रंगी मौत गल बच नी दिखे जट रंजा खबर राज नाल रहंदे यार जिवे असले आ वांग। अच्छा मैं अच्छा ओके, इसने मुंह मेरे को लगा भाई यार जिवे असले आ वांग, मुझे लगा क्या मूत्र है, बोला ये बंदा क्यों मूत्र ले सा कैमरे के सामने पर पैंट की जिप तो बंदे भाई फुर दारू ओके ए बीट इज क्रेजी भाई, बीट इज क्रेजी भाई, किल कर दिया भाई, किल कर दिया भाई, दोनों ने क्या कर दी ले, क्या क्या ही वर्स है यार इन लोग के, मतलब इतने खतरनाक खतरनाक लाइंस बार्स कहाँ से उठा के लेके आते हैं, कहाँ से सोचते हैं, मतलब एक दूसरे का इन्फ्लुएंस इतना अच्छे से इन लोग का बैठ गया ना भाई, मतलब जो जुगलबंदी बैठ गई ली भाई। तुम लोग अभी ईपी निकालो भाई,
मेरे को नहीं मालूम तुम लोग ईपी निकालो, कम से कम उसमें 4 गाने होने चाहिए, अगर 5 गाने 6 गाने हुए तो और मस्त है, मजा आ जाएगा। बट भाई तुम लोग ईपी निकालो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अगर ये जो जोड़ी बैठ गई है, जैसे कि अपने डिवाइन और करण औजला क्या मस्त बैठ गया था मुंबई और पंजाब, वैसे भाई अपना पुणे और पंजाब, लेट्स गो भाई, कम ऑन। बाकी सबसे हार्ड लाइन मेरे को लगा कि वो जो अमीर फांदा ना थोड़ा सा अमीर डायरेक्ट मूल्य और घाव, मतलब भाई सीधा जड़ से उखाड़ देते भाई, फांदी एक ही नहीं थोड़ी, सीधा जड़ से उखाड़ के झाड़ फेंक देते भाई सीधा। बहुत हार्ड था लाइन ये, मतलब मैं जब पहली बार सुना था ना कि इन लोग दोनों का गाना आने वाला साथ में, तो मैं बोला भाई इन लोग कैसे, मतलब क्या सोचे रहेंगे कि भाई संबाटा एंड अ पंजाबी आर्टिस्ट, मतलब आई नेवर थॉट इन माय ड्रीम्स कि भाई ये सब भी हो सकता है, संबाटा किसी और के साथ कोलैब करेगा। संबाटा एज अ सोलो आर्टिस्ट बहुत ज्यादा मतलब वो दिमाग में बैठ चुका था कि भाई ये बंदा कोलैब इतना नहीं करेगा क्योंकि ये वो उसके उसमें है नहीं उतना, पर पता नहीं बस सरप्राइजिंग भाई ने कोलैब कर लिया वो एक पंजाबी आर्टिस्ट के साथ, भाई क्या गाना निकाले भाई लोग। लेफ्ट भाई ऑलमोस्ट अपन डेली सुनता है भाई, उसका वो हुक तो पूरा रट्टा हो चुका है, आम्ही स्वभावाने मूड मध्ये रुड वाले कधी थांबत ना, हुड मध्ये डूड वाले पोरा माझे मस्त्यान रस्त्यावर वास्त्यान, आम्ही पहिल्यापासून हक्काने हुड वाले आपण कभी आगेले। पण बहुत मजा आता है भाई सुनने के लिए। संबाटा के गाने तो भाई मेरे घर की साफ सफाई चल रही थी अपनी दिवाली की, स्पीकर पे लगा रहे थे भाई संबाटा वाजत होतो आणि आपण मस्त साफ सफाई करत होतो आणि मस्त वाजत होतो, वाजत आणि गाजत आणि फाजत आणि खासत सगळं होतं भाई आपले भाई, यही तो होता है तरीका गाना सुनने का। अगर आप काम करते करते भी गाना सुन रहे हो और मतलब आपको मजा आ रहा है, आपको मूड चेंज हो गया है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप काम कर रहे हो, जबकि वो काम आपको बहुत कंटाला भी, साफ सफाई किसको कंटालने आता है भाई, वो साफ सफाई करते हो आपका ऐसा संबाटा और अपना कृष्णा रफ्तार ये सब के गाना सुनते तो कितना मजे से काम निकल जाता है भाई, यही तो होता है भाई, यही तो आर्टिस्ट का जादू है। उन लोग ऐसा गाना बनाते हैं कि आपका भाई माइंड का खेल जाता है, आपका फुल माइंड चेंज कर देते, जो आप काम कर रहे हो उससे आप डबल स्पीड में डबल उत्साह से काम करते, दैट इज द पावर ऑफ हिप हॉप म्यूजिक भाई। बाकी ये गाने का भी हाईलाइट था भाई, संबाटा ने 4 बार मार दिए पंजाबी में, मजा आ गया, क्या मार था वो। हाँ मेरे नाल रियर साहब तेरे शहर विच राड़ा जट ने शौक पूछा रखे शहर विच पैर विच पराड़ा, शहर बोल रहा हूँ भाई, क्या बार है, मतलब ये बार है ब्रो, मतलब ऊंचे रखो भाई प्राड़ा, प्राड़ा महंगा आता है तो भाई उधर भी ऊंचे इधर भी ऊंचे, नीचे से भी अपन भाई लेवल हाई रहता अपना, अपन भले जमीन पे नीचे चलते बट अपन हाई लेवल की चीजें पहन के चलते भाई। भाई मुझे बता देना कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गाने का वॉल्यूम थोड़ा कम था या मेरे हेडफोन्स खराब है, मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि भाई, क्योंकि लैपटॉप में भी और यूट्यूब का भी वॉल्यूम पूरा फुल था बट फिर भी मेरे को काफी कम सुनाई दे रहा था, बट मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि भाई ये गाने का मिस्टेक है कि मेरे हेडफोन का। बाकी ओवरऑल भाई गाना मजा आ गया भाई, और दो चार बार सुनेंगे इसका भी वाइब लेंगे, जैसे हुड लाइव ऐसा मुंह पे रट्टा होगा, ये भी भाई रट्टा हो जाएगा, ये वाला भी हुक बहुत बढ़िया है भाई, इसको भी दो चार बार सुनेंगे तब वो हुक भी बैठ जाएगा। बाकी जो समझता है भाई पंजाबी और मराठी वो वैसे भी वाइब करेगा, जो नहीं समझता है वो उसके फुल बीट के साथ वाइब करेगा भाई, ये पूरे वाइब ही गाने बनाते भाई। गैंगस्टर रैप इज ऑल अबाउट वाइब, इज ऑल अबाउट नॉट इतना रिलेटेबल, कोई हर कोई गैंगस्टर नहीं होता है, गैंगस्टर रैप अगर रिलेटेबल होगा तो मतलब क्या ही हो जाएगा, सोसाइटी विल बी डूम भाई, सब भाई अपना को गैंगस्टर समझ बैठेंगे, सब उल्टे सीधे काम करेंगे, बट गैंगस्टर रैप सॉन्ग्स आर ऑल अबाउट वाइब, वाइब आ गई वाइब मजा आ जाएगा। अभी जो ऑलरेडी फील करते हैं जो गैंग्स वैंग गैंग गैंग वाली चीजें कर चुके वो रिलेट कर पाएंगे, जैसे हम लोग कर चुके ऑलरेडी तो वो हम लोग रिलेट कर पाते, याद आते चीजें वो सब, बट जो भी भाई वाइब अच्छी आ गई भाई, वाइब आ गई तो भाई गाना 10/10। तो चलो मैं आप लोग बताओ आपको क्या थॉट्स इस गाने के बारे में, और आपका फेवरेट बार और सबसे हार्ड लाइन कौन सा लगा जरूर कमेंट करना भाई। चलो मैं मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो मजे कर रहो, साइनिंग ऑफ, पीस।